मॉड्यूल 212, ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नवोसा फैमिली थेरेपी सो नाउ वी विल सी कि हम कौन सी फैमिली थेरेपी की स्ट्रेटजी या मॉडल यूज़ करेंगे फॉर हेल्पिंग द एनोरेक्सिया नवोसा अगेन देर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज विच यू कैन यूज बट हेयर टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉट्सले मॉडल सो मॉट्सले मॉडल की कुछ डिफरेंट फेजिज हैं जिसमें अर्ली फेज़ है जो अर्ली फेज़ है उसके अंदर बेसिकली जब क्लाइंट और पेरेंट्स आते हैं तो हम उसमें ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट को हो रहा है पहले क्या हुआ था इस प्रॉब्लम से पहले ठीक है कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स बने हैं जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बने हैं और जो मेंटेन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को उसके कौन से ऐसे बिलीव्स थे जिसकी वजह से वो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो उसके अंदर डेवलप हो गया ऐसे कौन से थॉट पैटर्न थे ठीक है यूजली uh, जो बच्चे होते हैं जब आप उनसे बात करते हैं कि वाई दे हैव डिवेलप दीज सॉट ऑफ थिंग्स तो मोस्टली वो आपको ये कहते हैं दैट हेल्प्स मी टू मैनेज माई एन्जाइटी दैट्स हेल्प मी टू एक्सप्रेस माई इमोशंस तो ये जो चीज़ है वो बेसिकली अपनी किसी ना किसी लेवल पे इमोशनल एडजस्टमेंट uh, जो है वो कर रहे होते हैं जैसे अपने एन्जाइटी को मैनेज कर रहे होते हैं अपने एंगर को मैनेज कर रहे होते हैं अपने आइसोलेशन को मैनेज कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो उनका नेगेटिव एफैक्ट है वो मैनेज हो रहा होता है तो अर्ली फेज के अंदर पहले आपने फाइंड आउट करना है कि कॉजेस क्या हैं अंटल के अनलेस आप कॉजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सके करेंगे तब तक इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ जो है मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करें इस दौरान आपको ये भी देखना होता है कि जो फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स हैं वो क्या हैं रिगार्डिंग बॉडी शेप रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट वेट पैटर्न या आपने ये भी देखना होता है कि जो इन्वायरमेंट है फैमिली का वो ओवर क्रिटिकल तो नहीं है तो ये अर्ली फेज़ जो है इसके अंदर ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है फिर आपने क्या करना है आपने पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ बैठ के फॉर्मूलेशन करनी है फॉर्मूलेशन क्या होती है कि आपने फार्मूलेट करना है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई ठीक है अब जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और फिर ये देखें कि उनके मेंटेनिंग फैक्टर्स कौन से हैं क्यों वो चीज़ या प्रॉब्लम जो है वो मेंटेन हो रहा है तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आप फॉर्मुलेशन के अंदर जो है वो पेरेंट्स के साथ और बच्चे को इकट्ठा बिठा के थ्रू अ डायग्राम पिक्चर जो है उसके थ्रू भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान जो सेकेंड फेज है जिसमें हम ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं उसमें हमने पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है और बच्चे को भी एजुकेट करना होता है कि किस तरह से उसने न्यूट्रिशंस जो हैं वो इनटेक करनी है कितनी न्यूट्रिशन उसकी एक दिन के अंदर जो है वो अप्रोप्रिएट है हेल्दी बिहेवियर क्या है ईटिंग बिहेवियर क्या है और अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स क्या हैं तो इस किस्म का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमने बच्चे के साथ मैनेज करना होता है और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस देनी होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द वर्किंग फॉर चेंज प्रॉब्लम यहाँ पर आता है प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आता है इसलिए आता है क्योंकि हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो एनोरेक्सिया नवोसा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को इंटेंस फियर है फॉर गेनिंग वेट अब अगर आप उसे ये कहोगे कि आपने इतने न्यूट्रिशन एक दिन में लेने हैं तो उसको क्या होगा फियर डेवलप हो जाएगा कि मैं वेट गेन कर लूँगा तो इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए आपको न्यूट्रिशंस को डिफाइन करना पड़ता है कि इतने न्यूट्रिशन से आपका इतना वेट गेन होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो क्लाइंट शो करता है लेकिन वंस दैट रेजिस्टेंस इज ब्रेक वंस द चाइल्ड थॉट पैटर्न हैज बीन एडजस्टेड तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट uh, है वो थेरेपी में आना शुरू हो जाती है तो दिस इज समथिंग देन जो एंडिंग है उसके अंदर जो है वो क्लाइंट से ये कहा जाता है कि वो आपको लिख के बताएं कि उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो पहले से कितनी बेहतर हुई है और उसने इस पूरे थेरापूटिक प्रोसीजर से क्या चीज़ लर्न की है ठीक है और रिलैप्स प्रिवेंशन के अंदर जो सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट्स हैं वो उसको साथ दिए जाते हैं दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हिस्सा बिहेवियर और वो एक तरह से अलार्म्स जो हैं वो भी सेट कर देते हैं कि एक्चुअली अगर चाइल्ड जो है वो सेल्फ़ मॉनिटरिंग कर रहा है और उसने ये देखा है कि पूरे दिन में उसने मील ही जो है वो कोई नहीं लिया तो अगर उसने मील नहीं लिया तो वो उसके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस डेवलप करेगी और ये उसको रेड अलर्ट जो है अगर उसने एक वीक तक नहीं खाना खा रहा या तीन चार दिन हो गए और वो जो मील है वो अप्रोप्रिएट नहीं ले रहा तो ये एक तरह से उसके लिए रेड अलर्ट हो जाएगा कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो दोबारा से डेवलप हो रही हैं तो दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इसके साथ साथ अगर उसके इमोशंस जो हैं वो डिसरेगुलेट हो रहे हैं जैसे एंगर ज़्यादा आ रहा है या वो डिप्रेस हो रहा है तो इट मे पॉसिबल के जो उसके बाद सब्सिक्वेंट uh, uh, उसका जो इमोशन आएगा सॉरी uh, जो सब्सिक्वेंट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा वो ये होगा कि उसकी जो फूड इनटेक है वो स्टॉप हो जाएगी तो दैट इज समिंग विच यू नीड टू बी मोनिटर Uh, जब आप रिलैप्स प्रिवेंशन जो है वो कर रहे होते हैं थैंक यू